विदेश जो है लगभग 100 के आसपास जो हैं जो टॉपर्स होंगे। अगर किसी को हार्वर्ड पढ़ाई करनी है, कैम्ब्रिज पढ़ाई करनी है या और कोई विश्व ख्याति जो संस्थाएं हैं। हाँ जी हाँ, सही सुना आपने। आने वाले दिनों में अब बिहार सरकार बिहार की लड़कियों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। ये ऐलान किया है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया बिहार की उन बेटियों के लिए जो विदेश में पढ़ाई करने की ख्वाहिश रखती थी। पटना वुमेन्स कॉलेज में आयोजित एनुअल फंक्शन में सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान खुले मन से किया, साथ ही पत्रकारों से पूछने पर भी बताया। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि अब अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रही कॉलेज की छात्राओं को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी, वो भी सरकारी खर्चे पर। तेजस्वी यादव ने खुले मन से इस बात का ऐलान किया कि वो अपने स्तर पर पहल कर 100 टॉपर छात्राओं को पढ़ाई के लिए अब विदेश भेजेंगे, यानी कि अब तेजस्वी विदेश में बिहार की लड़कियों को पढ़ाएंगे। आपने कहा कि लोगों को विदेश भेजेंगे, बच्चों को विदेश भेजेंगे। एकदम बच्चे विभाग में हमारी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और मुख्यमंत्री जी भी सहमत है। नंबर जो है वो बता दिया जाएगा, लेकिन विदेश जो है लगभग 100 के आसपास जो हैं जो टॉपर्स होंगे। अगर किसी को हार्वर्ड पढ़ाई करनी है, कैम्ब्रिज पढ़ाई करनी है या और कोई विश्व ख्याति, तो बिहार में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को राज्य सरकार अब इनकी इच्छा के अनुसार विदेशों में पढ़ाएगी। अब तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद जहां होनहार छात्रों का हौसला तो बढ़ गया, वहीं सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल ये कि क्या तेजस्वी अपने वादे पर खड़े उतर पाएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी 100 छात्रों को आज बिहार से विदेश में भेजने की बात तब कर रहे हैं जब बिहार में खुद कितने हजार छात्रों का भविष्य अधड़ में लटका हुआ है, जिसपे कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। वहीं इस ऐलान के बाद तेजस्वी के 10 लाख नौकरी का वादा भी लोगों को याद आने लगा। ऐसे में अब देखना होगा कि वादे पे वादे करने वाले तेजस्वी कितने वादे पूरे कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।